क्या होगा अगर हम बाइक में पेट्रोल की जगह डीजल डाल दे तो क्या बाइक चलने लगेगी या बिल्कुल भी नहीं चलेगी? क्या बाइक का इंजन डैमेज हो जाएगा या बिल्कुल सेफ रहेगा? तो दोस्तों, इन सभी क्यूरियस क्वेश्चंस का जवाब आपको इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, इसे जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि डीजल और पेट्रोल भले ही सेम क्रूड ऑयल से रिफाइन किए जाते हों, लेकिन ये एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। डीजल पेट्रोल से ज्यादा गाढ़ा होता है, ज्यादा हैवी होता है और डीजल को वेपोराइज होने में पेट्रोल से ज्यादा वक्त लगता है। इसके अलावा इंजन में डीजल के कम्बशन के लिए पेट्रोल के कंपेरिजन में ज्यादा कंप्रेशन या दबाव की जरूरत होती है और इन्ही सारे डिफरेंसेस की वजह से पेट्रोल और डीजल के लिए अलग अलग तरह के इंजन भी होते हैं। मतलब पेट्रोल इंजन को पेट्रोल के हिसाब से वर्क करने के लिए डिजाइन किया जाता है और डीजल इंजन को डीजल के हिसाब से वर्क करने के लिए। और अगर रॉयल एनफील्ड टॉरस जैसे मार्केट में अनसक्सेसफुल रहे दो चार एक्सेप्शनल बाइक्स को छोड़ दिया जाए तो फिलहाल फ्यूल से चलने वाली लगभग सभी बाइक्स और स्कूटीज में पेट्रोल इंजन का ही यूज किया जाता है। मतलब कि ये बाइक्स तभी प्रॉपरली चल पाएंगी अगर इनमें पेट्रोल डाला जाए। लेकिन अब अगर इन पेट्रोल इंजन बाइक्स में पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया जाए तो डीजल के देर से वेपोराइज होने के नेचर की वजह से एयर और डीजल का वेपोराइज्ड मिक्सचर नहीं फॉर्म हो पाएगा, जिससे कि इंजन में किसी भी तरह का कम्बशन नहीं होगा और ना ही गाड़ी स्टार्ट होगी ना ही चलेगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे कि इंजन के कार्बोरेटर में थोड़ा बहुत पेट्रोल होने की वजह से या इंजन गर्म होने की कंडीशन में अगर डीजल डालने से गाड़ी स्टार्ट भी हो गई तो भी वो थोड़ा बहुत चलने के बाद झटके खाने लगेगी और बार बार बंद हो जाएगी। इसके साथ ही इंजन का कुछ पार्ट डैमेज भी हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। दोस्तों, इस चैनल पर वीकली 2 से 3 ऐसे ही अमेजिंग नॉलेजफुल वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए।